नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग है अटल सेतु पे। ये अटल सेतु बना हुआ है मुंबई में कनेक्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु के बन जाने से मुंबई के लोगों के लिए सफ़र काफ़ी आसान बन गया है। यह मुंबई से नवी मुंबई जाने के 2 घंटे का समय लगता था, वही अब आप मात्र 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। देखिए, यहाँ पर सामने आपको टोल दिखाई दे रहा है। अभी फास्टैग के कारण ज़्यादा लोगों को रुकना नहीं पड़ता है, स्कैन करते ही आपका टोल कट जाएगा और आप यहाँ का सफ़र कर सकते हो। अटल सेतु 6 लेन वाला ये ट्रांस हार्बर पुल है। 21.8 किलोमीटर लंबा है और 16.5 किलोमीटर सीलिंग बना हुआ है। अटल सेतु मुंबई से सूरी को रायगढ़ जिले में चिरले से जोड़ता है। अगर आप जाने की सोच रहे हो तो पहले जान ले पुल की जुड़ी कुछ खास बातें और टोल टैक्स की जानकारी। आपको अटल सेतु जाने के लिए टोल देना होगा। इसमें हम सिंगल रिटर्न टोल पास को मंथली पास में दाम बता रहे हैं। कार के लिए सिंगल यात्रा का टोल 250 रुपये है, वही रिटर्न जर्नी के लिए 375 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। डेली पास के लिए आपको 625 रुपये और महीने के पास के लिए आपको 12,500 रुपये देने पड़ेंगे। अटल सेतु की क्या खूबियाँ है? जानकारी के मुताबिक पुल में एलिप टावर से 17 गुना ज़्यादा स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस तरह आप देखें तो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, उसके तुलना में 4 गुना ज़्यादा स्टील इस पुल को बनाने में लगा हुआ है। पुल को बनाने के लिए जितना सीमेंट और कंक्रीट यूज़ किया गया है, अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना यहां पर सीमेंट और कंक्रीट यूज़ किया गया है। इस ब्रिज पे से हर रोज़ करीबन 70,000 लोग सफ़र करेंगे और इस ब्रिज के ऊपर 400 कैमरे लगाए गए हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव के लिए यहाँ पर सेंसर भी लगे हुए हैं, जिसका जो स्पीड लिमिट यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए लगाया गया है। सामने देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बाहर देश में घूमने आए हैं। देखिए, चारों तरफ अगर नज़र घुमा रहे हो तो आपको यहाँ पर पूरी तरफ पूरा पानी ही पानी दिखाई देगा। समंदर के बीच में बना हुआ ये अटल सेतु। अटल सेतु के ऊपर जैसे मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर, इन वाहनों को यहाँ पर चलने की पाबंदी लगाई गई है। इस अटल सेतु के ऊपर आपको 100 के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपका 100 के ऊपर स्पीड होता है तो यहाँ पर सेंसर लगे हुए है और उससे आपका चालान कट जाएगा।
खाली उतरले ना काही गडबड होती. तुपण रोड याच्या खाली नसतो बरोबर खालच्या आता भाऊच्या धक्क्यापासून मग पार असं खालून 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 जायला लय ट्रॅफिक असतं खाली लय जास्त असतं ते म्हणे जास्त असतं ते म्हणे अच्छा बने ना रायगढ़ से हम लोग अभी मुंबई की तरफ पहुंचने ही वाले हैं. देखिए जहाँ पर 2 से 3 घंटे लगते थे अभी हम लोग आधे घंटे में अभी मुंबई के अंदर पहुंचने ही वाले हैं. बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ अटल सेतु है और देखिए सामने आप देख रहे हो फाइनली हम लोग अभी मुंबई में एंटर होने ही वाले हैं. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अटल सेतु ब्रिज.